हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देख न्यूज पर। रियलिटी शो बिग बॉस 16 में राशन बंट रहा है और ये राशन कंटेस्टेंट ही एक दूसरे को बांट रहे हैं। उन्हें दो में से किसी एक के लिए राशन चुनना है। ये टास्क बीते एपिसोड में शुरू हुआ था लेकिन अभी तक जारी है। आज 8 नवंबर को निमृत कौर आलूवालिया का असली चेहरा सामने आएगा कि वो दोस्त शिव को चुनेंगी या फिर हमेशा की तरह स्वार्थी होकर अपने रूममेट को राशन दे देंगी। टीना दत्ता की वजह से शालीन भनोट और सुंबुल तौकीर खान का झगड़ा हो गया है, लेकिन अब इस झगड़े का असर नॉमिनेशन की प्रक्रिया में देखने को मिलेगा, जिसके बाद सुंबुल और शालीन का दोस्ती का रिश्ता हमेशा लिए टूट जाएगा। बिग बॉस 16 ने प्रोमो जारी कर दिया है और आज के एपिसोड के प्रोमो में इसने दिखाया गया है कि घर में बचे अन्य सदस्य राशन बांटते नजर आ रहे हैं। निमृत कौर आलूवालिया कहती हैं वो रूम में हैं और मुझे राशन आ जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। यह सुनकर एमसी स्टैन ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे वो निमृत का असली चेहरा जान गए हैं। अंकित भी तंज कसते हुए कहते हैं कि दोस्त दोस्त बोलकर छुरा भोंका है ना। तभी गौतम सिंह विजय और कैप्टन अब्दुल रौजी के कहते हुए दिखते हैं कि उनके कमरे में बिल्कुल भी राशन नहीं है। फिर राशन बांटने की जिम्मेदारी अंकित की आती है और वो कहते हैं कि कहां बिग बॉस धर्म संकट में फंसा दिया। दूसरी तरफ सुंबुल तौकीर खान और शालीन भनोट का एक झगड़ा नए लेवल पर जाता दिख रहा है। वो सुंबुल से पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है आपको टीना से। फिर सुंबुल करारा जवाब देती हैं कि आप कौन हो मुझसे आकर उनके लिए लड़ने वाले, मुझ पर चिल्लाने वाले, ये चीज के बाद ये नॉर्मल नहीं होगा और इस झगड़े के बाद घर में नॉमिनेशन की प्रक्रिया होगी। तो आज हमें देखना होगा कि कौन नॉमिनेट होता है एलिमिनेट होने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में केवल इतना ही। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।